राजनांदगांव में एक निलंबित पुलिसकर्मी ने स्थानीय जनता से लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को वोट नहीं देने की अपील की है। इसने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। इसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त पुलिस परिवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनांदगांव की जनता से भूपेश बघेल को अपना वोट न देने की अपील की है। मेरे ऊपर भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल में 8 FIR दर्ज की, 4 पुलिसद्रोह और 2 जिलों में राजद्रोह जैसी धाराएं दर्ज की। केवल मैंने भूपेश बघेल से क्या मांगा था? सिपाहियों का वेतन बढ़ाने की बात की थी जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी हो सके, परंतु भूपेश बघेल ने उस बात को नकारते हुए मुझे जेल भेजा, मेरे ससुर को जेल भेजा और मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया। यहाँ तक कि मेरा जीवन निर्वाह भत्ता तक रोका गया है और मुझे इतना प्रताड़ित किया भूपेश बघेल ने कि कभी रायपुर जेल में, कभी कोरबा जेल में, कभी दंतेवाड़ा जेल में और कभी क्या नाम है धमतरी जेल में, सिर्फ जेल जेल घुमाकर अपनी बातों को दबाया है और ना कि जनता की भलाई के लिए। 5 साल तक उसने कौड़ी भर का भी काम नहीं किया है और आज वह फिर सांसद प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रहा है। तो मैं राजनांदगांव के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल गलत को गलत बोलने वालों को जेल जब मुझे भेज सकता है, मैं सरकारी कर्मचारी सिपाही हूँ, तो आपके बच्चों का भविष्य किस अंधकार में रखेगा? इसलिए सोच समझ कर भूपेश बघेल को वोट करिएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।